स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी टिकट के बाद देखिए बड़ा दावा भी सामने आ रहा, वो भी हम आपको बताते हैं। मेरी हनक की वजह से बीजेपी ने ओबीसी को टिकट दिया। ओबीसी का जो टिकट शेयर है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है पहले लिस्ट में, और देखिए उसी को लेकर ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, मुझे बीजेपी की सरकार को उखाड़ना है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का वार है बीजेपी के ऊपर। अखिलेश के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे पद की लालसा नहीं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। मनीष यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत किया, ये सुने क्या कहना है उनका। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपने समर्थकों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। स्वामी जी, आज दो लोगों का जन्मदिन है, बहन जी का भी है और डिंपल जी का भी है, दोनों को बधाई दी आपने? आज मैं सुबह ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई और शुभकामना दिया है। फोन करके दिया है? कैसे दिया है आपने? साथ ही साथ डिंपल यादव जी जो कन्नौज से सांसद रही, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी जी हैं, उनको भी जन्मदिन की बधाई और शुभकामना मैंने दे दिया है। स्वामी जी, आप तो बधाई दे रहे हैं लेकिन बहन जी कह रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत बीएसपी में आकर खुली है। वो पहले ना सांसद बन पाते थे ना विधायक बन पाते थे, और यहाँ बीएसपी में आए तब वो मंत्री तक पहुँचे, तो वो क्या मेरी सरकार बनाएंगे, बिगाड़ेंगे? हमने तो बहन जी को कोई टिप्पणी नहीं की, जब टिप्पणी किया था तो उसने बिगाड़ भी दिया, और अभी समय तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अब तो जिसको बिगाड़ने की बात है उसको बिगाड़ेंगे, अब तो बहन जी बिगड़ चुकी है तो उनको क्यों बिगाड़ेंगे। नरम रुख क्यों लग रहा है आप, नीला स्वेटर बहन जी के प्रति कोई नरम रुख तो नहीं है? देखिए, विचारों की धारा होती है, विचारों की पार्टी होती है, विचारों पर मित्रता होती है, विचारों पर तलवारें खींचती हैं। कपड़ों की ना कोई पार्टी होती है, और इसलिए ना इसकी कोई जात होती है, ना बिरादरी होती है, ना पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। अच्छा, चूंकि मायावती जी ने ये कहा है कि भाई अंबेडकरवादी और समाजवादी एक हो गए, आपने मन से कहा था, उन्होंने कहा कि ये गलफत है क्योंकि अखिलेश यादव दलितों के हितैषी नहीं, उन्होंने गिना भी दिया बहुत सारी ऐसी घटनाएं गिनाई और दलित विरोधी उन्हें करार दिया, भदोही के नाम से लेकर तमाम नौकरियों की बात उन्होंने की। अब ये तो पहले भी करार करती थी, पहले भी बहुत कुछ कहा करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाथ क्यों मिलाया आपने? हाथ मिला करके कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।